हेलो फ्रेंड्स, सतरंगी नेटिंग पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको ये फिश बनाना बता रही हूँ। इसको क्रोशे से बनाया गया है और इससे आप कीरिंग भी बना सकती हैं और इसको आप कहीं बनाकर लगा भी सकती हैं डेकोरेशन के लिए। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। मैंने ये ऑरेंज कलर का वूल लिया है, आप किसी भी कलर का वूल ले सकते हैं। और ये 12 नंबर का हुक है। सॉरी, अब हम एक मैजिक लूप बनाएंगे। तो मैजिक लूप बनाने के लिए देखिए, वूल को हमें दो फिंगर्स पर इस तरह से लपेटना है और अब इस सिरे को भी हम अपने थंब से दबा देंगे और ये जो वूल है इसको हम अपनी सबसे जो छोटी फिंगर है उस पर 3-4 बार लपेट कर छोड़ देंगे। अब लूप में से हम इस वर्किंग वूल को ऐसे निकालेंगे और ये हमने एक चेन बना लिया। अब हमें ये सब कुछ निकाल देना है और देखिए ये हमारा वर्किंग वूल है और ये लूप हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो अब इस लूप में हम 14 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हुक को एक बार वूल पर लपेटा और लूप के अंदर से डालकर ये वूल को खींच लिया। अब इन तीनों जो हमारे लूप हैं उनमें से हम इसको खींच लेंगे। ये हमारा एक सिंगल क्रोशिया बन गया। फिर से देखिए, हुक को हमने वूल पर लपेटा और लूप में से हुक को डालकर इसको खींच लिया और तीनों में से निकाल दिया। ये दूसरा सिंगल क्रोशिया, ये तीसरा सिंगल क्रोशिया और ये चौथा सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से हमें इस लूप में 14 सिंगल क्रोशिए बना लेने हैं। ये जो हमारा लूप है इसमें हम 14 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, 14 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। 4 सिंगल क्रोशिया मैंने बना लिए हैं। अब ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14, ये 14 सिंगल क्रोशिया मैंने बना लिए। काउंट करके मैं दिखा दूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। अब देखिए ये जो छोटा वाला वूल है इसको हम पकड़ कर खींच देंगे। धीरे से खींचिएगा जैसे कि वूल टूटने ना पाए। और अब हम स्लिप स्टिच से इसको यहाँ पर जोड़ देंगे। ये हमने स्लिप स्टिच से जोड़ दिया और अब देखिए इस वूल को हमें ऐसे ही छोड़ देना है और थोड़ा सा हम इसको और खींच लेते हैं जिससे कि ये जो छेद है बीच में वो बंद हो जाए। अब देखिए ये छेद हमारा पूरा बंद हो गया है और अब हम इसको आगे बनाएंगे। तो देखिए अब हमें पहले दो चेन बना लेनी है और अब ये जो स्टिच है इसमें हम हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब ये जो अगला चेन है, अगला जो स्टिच है इसमें हमें दो डबल क्रोशिया बनानी है। तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया हुआ और ये दूसरा डबल क्रोशिया। एक में हमने एक बनाया, उसके बाद दो बनाया। अब अगले स्टिच में हमें फिर से एक डबल क्रोशिया बनाना है। अब आगे वाले स्टिच में हमें दो डबल क्रोशिया बनाना है।
यानी कि एक स्टिच में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है और उससे अगले स्टिच में हमें दो डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से एक एक स्टिच छोड़कर हमें दो दो डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से हमें ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि एक स्टिच में एक डबल क्रोशिया बनाना है, उसके अगले स्टिच में दो डबल क्रोशिया बनाना है, फिर एक स्टिच में एक डबल क्रोशिया बनाना है, फिर उसके अगले स्टिच में दो डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से हमें ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। अब देखिए, ये मैंने पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है और एक चैन बकाया है अभी, तो इसमें हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, इससे पहले वाले में यहाँ पर ये एक डबल क्रोशिया बनाया था, तो यहाँ पर हमें दो डबल क्रोशिया बना लेना है। और अब हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। तो जो दो चैन बनाई थी, यहाँ पर ये सेकंड चैन में हमने इसको अटैच कर दिया। अब काउंट करके आपको दिखा देती हूँ कि कितने स्टिच हो गए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 22 स्टिच हो गए हैं। अब इस बूल को हमें काटना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले हम इसको थोड़ा सा लंबा खींचेंगे और ये बूल हम यहाँ से काट देंगे और इस लूप में से निकाल कर खींच लेंगे। अब ये जो दूसरा बूल है, इसको भी हम थोड़ा सा खींच लेंगे जिससे ये छेद बंद हो जाए। इसी तरह से हमें दो पार्ट बनाकर तैयार कर लेने हैं। और देखिए, जो बाहर की साइड रहेगा वो राइट साइड रहेगा और जो अंदर की साइड रहेगा वो रॉन्ग साइड रहेगा। तो दोनों पार्ट्स को एक के ऊपर एक रखेंगे, रॉन्ग साइड हमारा अंदर की साइड रहेगा दोनों पार्ट्स का। और अब हमें इसको स्लिप स्टिच से जोड़ना है। तो ये मैंने ब्लू कलर का वूल लिया है, आप चाहें तो सेम कलर से भी बना सकती हैं या आप कोई भी दूसरे कलर का वूल लीजिए। और देखिए, क्रोशिए से हम इसको इस तरह से निकालेंगे और ये अब आगे और पीछे बना लेंगे। दोनों पार्ट्स के स्टिच में क्रोशिए को डालेंगे और बूल को खींचेंगे और देखिए इस तरह से ये स्लिप स्टिच बना लेंगे। अब ये जो ब्लू बूल है, इसको भी मैंने अंदर की ही साइड कर दिया है। अब फिर से हम आगे पीछे दोनों पार्ट्स के एक एक स्टिच में क्रोशिए को डालेंगे, ब्लू बूल को खींचेंगे और दोनों लूप्स में से निकाल देंगे, यानी स्लिप स्टिच से हम इसको जोड़ते जाएंगे। अगर आपको स्लिप स्टिच, सिंगल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, ट्रिपल क्रोशिया, ये कैसे बनाया जाता है, किसको कहते हैं, तो इस तरह का वीडियो अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपके लिए इस तरह का वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँगी। अब देखिए, इसको हमें आधा जोड़ लेना है, यानी कि हाफ सर्कल तक। तो ये हमारा हाफ सर्कल कंप्लीट हो गया है, यानी मैंने इसको आधा जोड़ लिया है। तो अब यहाँ पर हम फिश का मुंह बनाएंगे। तो उसके लिए पहले दो चैन बना लेंगे और फिर सेम स्टिच से क्रोशिए को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब फिर से दो चैन बनाएंगे और उसी सेम स्टिच में हम इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। फिर से दो चैन बनाएंगे और सेम स्टिच में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से दो चैन बनाएंगे और उसी स्टिच में हम इसको फिर से जोड़ देंगे जहाँ से हमने डबल क्रोशिया बनाया था पहले। अब देखिए, ये हमारा मुंह बन गया है फिश का। तो आगे हम इसको फिर से स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे, जैसे कि हम पहले जोड़ रहे थे उसी तरह से हमें इसको जोड़ना है। एक स्टिच आगे वाले पार्ट से लेना है, एक पीछे वाले से, और दोनों में क्रोशिए को डालकर ब्लू बूल को हम ऊपर लाएंगे और दोनों लूप्स में से निकाल देंगे।
इस तरह से हमें इसको आगे जोड़ना है। अब देखिए ये थोड़ा सा फाइबर वाला रुई है हमारे पास, तो इसको हम इसमें फिल करेंगे। अगर आपके पास ये ना हो तो आप वूल के छोटे छोटे टुकड़े काट कर इसमें फिल कर सकते हैं। और अब फिर से हमें इसको स्लिप स्टिच से ही जोड़ लेना है, जैसे कि हम पहले जोड़ रहे थे वैसे ही हमें इसको आगे बनाते जाना है। इसको बनाना बहुत ही आसान है, हमारी बिगनर्स बहनें भी इसको आराम से बना सकती हैं। और अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम फिश का पीछे का पार्ट बनाएंगे, तो उसके लिए पहले मैंने 5 चैन बनाई। अब यहाँ पर हमने एक चैन में इसको स्लिप स्टिच से जोड़ दिया। अब आगे की 3 चैनों में हमें 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, यानी कि हर चैन में एक डबल क्रोशिया। तो ये तीनों चैन में हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिए और आगे वाली जो चैन है इसमें हम इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। अब यहाँ पर ये जो ऑरेंज वाला वूल है इसमें भी हम इसको जोड़ देंगे और फिर से 5 चैन बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। अब आगे वाली चैन में स्लिप स्टिच से इसको जोड़ देना है और उसके बाद आगे की तीनों चैनों में एक एक डबल क्रोशिया बना लेना है। और ये जो 5वीं चैन है इसमें हम इसको जोड़ देंगे और फिर से हमें इसको यहाँ पर जोड़ना है उसी सेम स्टिच में। ये देखिए, और अब इसको वूल को हम काट देंगे और इस लूप में से निकाल देंगे और इसको खींच देंगे। ये देखिए इस तरह से ये मछली बन गई है। और अब ये जो वूल है इसको हम अंदर की साइड कर देंगे, जो ब्लू वाला वूल है इसको हमें अंदर कर देना है। अब ये हमारी फिश बनकर तैयार हो गई है। अब हमें इस मछली की आँख बनानी है, तो आँख बनाने के लिए वाइट कलर की वूल से मैंने एक मैजिक लूप तैयार किया और अब हम इसमें 5 स्लिप स्टिच बनाएंगे। दो, तीन, चार और ये 5। अब इसको हमें पकड़ करके इस तरह से खींच देना है और इसको यहाँ पर जो पहला स्टिच था उससे हम इसको जोड़ देंगे। वूल को सिक्योर कर लेंगे और ये जो दोनों वूल हैं इसमें हम गांठ लगा देंगे और एक्स्ट्रा वूल काट देंगे। अब इसको फिश के ऊपर रखेंगे और सुई से सिल देंगे। इसके ऊपर हमने एक मोती भी लगाया है, ब्लैक या ब्राउन कलर का कोई भी मोती आप इस पर लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको सुई से सिलने के बजाय पेस्ट भी कर सकती हैं। सेम इसी तरह से आपको दूसरी साइड भी आँख बनाकर लगा लेनी है। और देखिए फिश बनकर तैयार हो गई है। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इसका कीरिंग बनाना है तो ऊपर आप एक चेन भी इसमें लगा सकती हैं, तो आपका कीरिंग बनकर तैयार हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।